स्वामी जी अब देखो, बैग तो हमने देख लिए बड़े नाना प्रकार के आज आपको घर में हमने फीक रहे हैं, लेकिन योग अभ्यास क्या क्या करना चाहिए ऐसे लेट जाओ ताकि चेहरे की खूबसूरती के साथ शरीर की अनुलोम विलोम से तो शुरुआत भी बनी रहे जी। और ये प्रीति कितनी उम्र हो गई? 54 में है और इसको अब ये लगा देंगे हमारी बहन, ये यूज करती है खुद ही है, तो आप लगा दो इसको भी। कांति ने भी यूज करती है और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सबको लगा दो। अब योगाभ्यास के ऊपर आते हैं जी। तो आप ऐसे इनको ये लेप, और भी तमाम बहनें बैठी हैं सबको आज लगा दो। ये भी कितनी उम्र होगी? बना दो ये 40 वाली है। अब देखो ये सबको सुंदर बना दे रहे हैं। और इधर अम्मा बैठी हुई, आपकी उम्र कितनी अम्मा? ये 66 वाली अम्मा बैठी हुई है इधर। हाँ ये 66 में दही बोलो रही है, इसमें मक्खन निकाल रही है, मक्खन खिलाएंगे। और देखो कपाल भाती अनुलोम विलोम तो सबको करना ही है, लेप लगा हुआ तो भी लेप लगे लगे भी कर लो। और सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये हमारी डॉक्टर भी है प्राकृतिक चिकित्सा की, सर्वांगासन कर लेती हूँ, सर्वांगासन करो, मैं शीर्षासन करता हूँ। और बाकी को सबको आज लेप भी लगा रहे हैं, प्राकृतिक तौर तरीके बता रहे हैं कि योग और प्रकृति के संग अपने त्वचा के रंग को कैसे निखार रहे हैं। और एवर यंग रहे आपकी स्किन, एवर यंग रहना आपको लाइफ में, ये शीर्षासन, ये शीर्षासन करना है। एक से पांच मिनट तक जबरदस्त है। अब तो ज्योत्सना मीनाक्षी जी दोनों ही शीर्षासन और सर्वांगासन दोनों ही करने लग गए हैं, तो ऐसे शीर्षासन एक से पांच मिनट, देखो दो दो अभ्यास बता रहा हूं, शीर्षासन और सर्वांगासन, शीर्षासन और सर्वांगासन, ये दोनों एंटी एजिंग है। और जो है कपाल भाती अनुलोम विलोम भी एंटी एजिंग है, दंड बैठक ये एंटी एजिंग है, एक आगे झुकने वाला एक पीछे झुकने वाला आसन कर लिया वो एंटी एजिंग है। स्पाइनल कोड का बैलेंस रहेगा, जिंदगी आपकी 100 साल तक यौवन से परिपूर्ण रहेगी। ये सर्वांग आसन और हलासन, ये एक एक दो दो मिनट से लेके पाँच पाँच मिनट तक करना है। तो ये एंटी एजिंग योगासन है। आगे हम सूर्य नमस्कार भी बताएंगे, लेकिन अब बाएं करवट लेकर के बैठ जाएंगे। देखो